Just I ask myself, I am Ratnabhushan. And good morning, Honorable Prime Minister Ji. This is the program for you and for people of nation. It will cover your per day efforts for the betterment of the nation and suggestion for you so that we can make this country more glorious in the whole world. Before starting the most important fact of today's related to you, I would like to read the preamble of our constitution. The preamble is, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. So this is the preamble of our Constitution. And the most important fact related to Honorable Prime Minister is, Maharatri par virajman huye 112 feet uche Mahadev. Modi ne Coimbatore mein kiya Shiv ki sabse badi pratima ka lokarpan, bhavya chehre ki design aur pran pratishtha. सदगुरु जग्गी वासुदेव ने की. आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ को. दिस इज पब्लिश्ड इन दैनिक जागरण. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महारात्रि पर ईशा योग केंद्र में आदि योग शिव के 112 फीट आवाच्य प्रतिमा का लोकार्पण किया. इस भव्य चेहरे की डिजाइन और प्राण प्रतिष्ठा ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव ने की. वासुदेव के मुताबिक धरती के इस सबसे विशाल चेहरे की प्रतिष्ठा आदि योगी शिव के मानवता को अनुपम योगदान के सम्मान में की गई है. इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महाशिवरात्रि हमें प्रकृति की सुरक्षा के प्रति सावधान रखने की सीख देती है. हमें खुद को इस तरह ढालने की जरूरत है ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो. शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि भगवान शिव हर जगह मौजूद हैं. उनका परिवार शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सबसे अच्छा उदाहरण है. उनका वाहन नंदी बैल है. उनके बच्चों गणपति और कार्तिकेय के वाहन मोर और मूषक हैं. शिव के गले में सांप लटका रहता है. ये सभी परस्पर विरोधी जीव शिव के परिवार में शांतिपूर्वक साथ साथ रहते हैं. इसी तरह देश की जनता को भी आपसी विभिन्नता के बावजूद एकता बनाकर रहना है. मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में तमिल भाषा में लोगों का अभिवादन किया. प्रतिमा का लोकार्पण करने के बाद मोदी ने भगवान शिव की पूजा और आरती भी की. जग्गी वासुदेव ने अपने संबोधन में योग को बढ़ावा देने के लिए मोदी की तारीफ की. शुक्रवार शाम 6 बजे शुरू हुए कार्यक्रम शनिवार सुबह 6 बजे तक चलेगा. So this is the most important fact related to Honorable Prime Minister Ji and the suggestions of today's for last many days. I'm telling you, हर 2 किलोमीटर में प्रधानमंत्री जी एक डस्टबिन हो और वाशरूम होने चाहिए एंड इट मस्ट बी पेड. मुझे ऐसा लगता है कि लोग इसका विनम्रतापूर्वक स्वागत करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द पब्लिक वाशरूम जो है वो एब्सोल्युटली अनहाइजीनिक है, गंदे हैं. वाशरूम ऐसे होने चाहिए जैसे एयरपोर्ट पे हो और भी जैसे पब्लिक प्लेसेस पे, बहुत ही नीट एंड क्लीन होने चाहिए. एंड अगर इसको प्राइवेटाइज करके उस पर एडवर्टाइज किया जाए तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारा देश स्वच्छता अभियान में आगे बढ़ेगा. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी, आपके एफर्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, उसको सदा ही सराहा जाना चाहिए. एंड थैंक्स टू यू सर, वी आर प्राउड ऑन यू. योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क इज द एग्जांपल फॉर द नेशन, होल नेशन. वी कैन मेक दिस कंट्री मोर क्लीन, मोर ब्यूटीफुल एंड मोर ग्लोरियस. जय हिंद.